वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म एनिमल के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस या फिर कहें अर्ली एस्टिमेट्स और चौथे दिन यानी कि मंडे की एडवांस बुकिंग के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये फिल्म मंडे का टेस्ट पास करने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है या नहीं। तो देखा जाए तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड दो दिनों में 236 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया था कि फिल्म संडे को बॉक्स ऑफिस पर कुछ भयंकर करने जा रही है। और वैसा ही हुआ, जहां देखा जाए तो सिर्फ मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी को छोड़ दिया जाए तो आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट ऑक्यूपेंसी जो थी 80 से लेकर 85% तक जो है यहां पर चल रही थी केवल हिंदी वर्जन के अंदर। देखा जाए तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी भी कोई कम नहीं थी, 65.53% पर जो है सुबह की शुरुआत हुई थी। आफ्टरनून जा पहुंचा 84.58% पर, इवनिंग जा पहुंचा 86.43% पर। और क्योंकि आज मंडे है, वर्किंग डे है, तो नाइट में ड्रॉप आएगा ही और एक छोटा सा ड्रॉप देखने को मिला और ऑक्यूपेंसी आई 79.66% पर। और इसी का एक नतीजा है कि फिल्म केवल हिंदी वर्जन से ही जो है यहां पर संडे को 62 से 64 करोड़ के आसपास का जो है नेट कलेक्शन यहां पर करने जा रही है। और बात करें सभी वर्जन्स को मिलाते हुए, फिल्म संडे को जो है 70 से लेकर 72 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन और 84 से लेकर 86 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन यहां पर करने जा रही है। इसका मतलब अगर ऐसा होता है तो यहां पर तीन दिनों के अंदर अंदर फिल्म एनिमल केवल इंडिया मात्र से ही जो है 200 से लेकर 202 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन और 240 से लेकर 242 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन पार कर जाएगी। ओवरसीज में भी फिल्म का जो तहलका है वो वैसी ही चल रहा है जैसी शुरुआत हुई थी। तीन दिनों में फिल्म कहीं ना कहीं बहुत ही आसानी से यहां पर 100 से लेकर 105 करोड़ के आसपास का जो है ग्रॉस कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। और अगर ऐसा होता है फाइनल फिगर्स के साथ तो फिल्म एनिमल वर्ल्ड वाइड तीन दिनों के अंदर अंदर ही जो है 340 से लेकर 345 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन पार कर जाएगी। तो ये तो काफी एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि कल ही पता चल चुका था कि फिल्म 300 करोड़ के आंकड़े को पार करेगी। तो यहां पर 340 तक का सफर जो है फिल्म ने यहां पर तय कर लिया है। अब अगर बात करें एडवांस बुकिंग की तो पहले दिन जो थी फिल्म की एडवांस बुकिंग 34 करोड़ की हुई थी, दूसरे दिन एडवांस बुकिंग हुई 29 करोड़ की, तीसरे दिन संडे के लिए फिल्म की एडवांस बुकिंग थी 36 करोड़ की। और अगर बात करें मंडे, बहुत ही क्रूशियल मंडे की, हालांकि क्रूशियल तो नहीं कहेंगे क्योंकि फिल्म ऑलरेडी बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से परफॉर्म कर रही है, बट फिर भी अगर बात करें मंडे की तो फिल्म ने मंडे को जो है यहां पर 11 करोड़ की जो है एडवांस बुकिंग की है, जिसको देखते हुए यह क्लियर हो जाता है कि यहां पर फिल्म बहुत ही आसानी से 30 करोड़ के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है। फिल्म अगर कुछ भी 31 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन करती है तो फिल्म अपना मंडे टेस्ट बहुत ही आसानी से पार कर जाएगी। और ये पार करता हुआ नजर भी आ रहा है और क्योंकि जिस तरीके का ट्रेंड अभी तक देखा गया है उस हिसाब से 30 करोड़ तो छोड़िए, शायद फिल्म जो है 30 से 35 करोड़ तक का कलेक्शन जो है अपने मंडे को, पहले मंडे को जो है कर सकती है। फिल्म के मंडे टेस्ट को पास करने में दिल्ली एनसीआर का जो एक फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि ये मंडे चल रहा है और मंडे के लिए दिल्ली एनसीआर में जो है 2.54 करोड़ की जो है एडवांस बुकिंग हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये मंडे की एडवांस बुकिंग है। कुछ फिल्मों की तो फ्राइडे की एडवांस बुकिंग रहती है, पर इस फिल्म ने मंडे को जो है यहां पर 2.54 करोड़ की जो एडवांस बुकिंग की है। और आपको बता दूं कि संडे को जो है इस फिल्म ने दिल्ली एनसीआर में एक नया रिकॉर्ड भी क्रिएट किया है, जहां पर फिल्म ने जो है दिल्ली एनसीआर में सिंगल डे हाईएस्ट कलेक्शन का जो है रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। संडे को फिल्म ने 92% की ऑक्यूपेंसी दर्ज करते हुए यहां पर 9.98 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन करते हुए जवान फिल्म के 9.88 करोड़ के ग्रॉस कलेक्शन को जो है यहां पर बीट कर दिया है। इतना ही नहीं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो पिछले कुछ बड़ी बड़ी फिल्मों ने भी जो है गुजरात के अंदर काफी अंडर परफॉर्म किया हुआ है। जिस तरीके का कलेक्शन दूसरे राज्यों से निकल के आता है उस तरीके का कलेक्शन गुजरात से निकल के नहीं आ पा रहा है। ऐसे एक केस के अंदर आपको बता दूं कि एनिमल फिल्म ने कल के दिन यानी कि संडे को जो है गुजरात के अंदर सिंगल डे हाईएस्ट कलेक्शन का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम दर्ज कर लिया है। जी हां दोस्तों, फिल्म ने गदर 2 के हाईएस्ट डे कलेक्शन यानी कि 7.07 करोड़ के कलेक्शंस को बीट करते हुए यहां पर गुजरात में कल के दिन 66% की ऑक्यूपेंसी के साथ 7.30 करोड़ का जो है कलेक्शन किया है। तो चाहे बात करें आंध्र प्रदेश तेलंगाना की, चाहे बात करें दिल्ली की, चाहे बात करें गुजरात की, फिल्म ने उन हर एक जगहों पर परफॉर्मेंस दिखाई है जहां पर काफी बड़ी बड़ी फिल्में भी जो है कमजोर पड़ती हुई नजर आती है। फिल्म 500 करोड़ के ऊपर जाती है नहीं जाती है, यह
कहीं ना कहीं आने वाले 3 दिनों में क्लियर हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इंडिया भर में फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कहां तक पहुंच सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो को पसंद आया होगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।